हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन प्रीति गर्ल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। और कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ब्लैक ड्रेस एंड ब्लैक मेकअप, ओवरऑल ब्लैक लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी। तो कैसा लगता है मेरा ये लुक, ये देखने के लिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। तो ड्रेस चेंज, देख सकते हैं मैंने ब्लैक ड्रेस पहन रखी है। अब करेंगे मेकअप, उसके बाद देखेंगे ओवरऑल लुक कैसा दिखता है। देन नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं बालों में अच्छे से कंघी करके एक क्लचर से बालों को सिक्योर कर लूँगी ताकि मुझे मेरे बाल मेकअप करने में डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद मैंने आईब्रो पेंसिल लिया है और अपने आईब्रो को टचअप दे के आईब्रो को अच्छे से मेंटेन कर लूँगी। आईब्रो पेंसिल अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा आई शेडो पैलेट लिया है और इसका ब्लैक कलर मैं अपने आई पे अप्लाई करूँगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने फेस पे कुछ लगाया ही नहीं, डायरेक्ट आई मेकअप स्टार्ट कर दिया। तो आपका सोचना सही है, मैंने डायरेक्ट आई मेकअप ही स्टार्ट किया है क्योंकि मैं यहाँ पे ब्लैक लुक क्रिएट कर रही हूँ, इसलिए मैं ब्लैक मेकअप के सिवा कुछ भी अप्लाई नहीं करूँगी। मेरे पास जितने भी मेकअप में ब्लैक चीज़ें हैं मैं सिर्फ उसे ही लगाऊंगी और उसे ही अप्लाई करूंगी। तो पूरा मेकअप करने के बाद देखते हैं ये कैसा लगता है और ऐसा मेकअप किया जाए तो कैसा लगेगा। मैंने यहाँ पे आई शेडो लगा लिया है और मुझे कुछ और कलर नहीं लगाने हैं, इसलिए मैं सिर्फ ब्लैक कलर से ही अपने आई को डेकोरेट करने का कोशिश कर रही हूँ। ओ माय गॉड, ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं आईलाइनर लगा रही हूँ। सॉरी गाइज, मुझे अभी आईलाइनर नहीं लगाना था, मैं भूल के लगा ली थी। अभी तो मेरा आई मेकअप बाकी है, अभी कम्प्लीट ही नहीं हुआ है, सबसे लास्ट में आईलाइनर में लगाऊंगी। तो आई शेडो अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे आईलैश लगा लेती हूँ जिससे मेरी आंखें और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। इसके बाद मैं लगाऊंगी आईलाइनर। अगर आपको आईलाइनर लगाने में प्रॉब्लम होती है, आप बिगनर हैं, आईलाइनर ठीक से लग नहीं पाता है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप आईलाइनर लगाने का ट्रिक देख सकते हैं। इससे आपका आईलाइनर बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाएगा और कभी भी बिगड़ेगा नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने आईलाइनर अप्लाई कर लिया है एंड फाइनल लुक मैं आई का काजल से कंप्लीट कर रही हूँ। लास्ट में मैं ब्लू हेवन का काजल लगा रही हूँ। सॉरी, मस्कारा तो भी बाकी था, फाइनल लुक तो मस्कारा से बनेगा, तो मैंने मस्कारा लगा लिया है यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हैं मेरा आई मेकअप लुक, अभी तक तो सब ठीक लग रहा है। अब आगे देखते हैं लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद कैसा लगता है। तो मैंने यहाँ पे DIY लिपस्टिक लिया है जिसे मैं अप्लाई कर लेती हूँ अपने लिप पे। ओह माय गॉड, लेकिन ठीक ही है, नॉट बैड। तो अब मैं अपनी ज्वेलरी पहन लेती हूँ, बट अभी नेल पेंट बाकी है तो मैं ब्लैक नेल पेंट भी लगा लेती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मेरा ब्लैक मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है और मैंने सिर्फ ब्लैक चीज़ें ही यूज़ की हैं, इसलिए मैंने फेस पे कुछ अप्लाई नहीं किया है। अगर इस तरह से आप मेकअप करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आप चाहें तो ब्लैक लिपस्टिक की जगह रेड लिपस्टिक लगा ले, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मेरा आज का ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूँ। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। बाय बाय।